स्वागत है दोस्तों मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में मानसून की पहली बारिश को लेकर आया बड़ा अपडेट, बिपर जॉब का भी असर, जानिए कब होगी बारिश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अभी गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। बिपर जॉब तूफान के असर के बीच प्रदेश के आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन गर्मी के सितम से कोई कमी नहीं आई है। तापमान लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच गया। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गोरखपुर तक इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से मानसून की बारिश को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अनुमान कल के बाद उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार एक सप्ताह विलंब से मानसून की वापसी बारिश शुरू होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 22 जून से मानसूनी बारिश शुरू होने का अनुमान जताया गया है। 22 जून के बाद पूरे महीने बारिश जैसी स्थिति का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इससे खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी किसान शुरू कर पाएंगे, धान की फसल को लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों राजधानी में 22 से शुरू होगी बारिश। राजधानी लखनऊ में 22 जून से बारिश जैसी स्थिति बनने का अनुमान जताया गया है। 22 जून से लेकर जुलाई तक बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि राजधानी में बिपर जॉब तूफान के असर के कारण बादलों की आवाजाही देखी गई है। दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, इसी कारण 40 डिग्री के पार तापमान बने रहने के बाद भी सुबह में लोगों को राहत महसूस होती है। दिन में धूप के कारण तापमान में वृद्धि का अनुमान है। दोस्तों गोरखपुर में 21 जून से बारिश शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। मानसून की बारिश शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। 3 दिनों की बारिश के बाद 25 जून से तापमान में गिरावट होनी शुरू होगी। दोस्तों गौरतलब है कि 30 जून तक बारिश जैसी स्थिति के कारण तापमान 35 डिग्री तक आने का अनुमान है। अभी तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। नोएडा में 25 जून से बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि शहर में आज से आसमान में बादल की आवाजाही शुरू हो गई है। 18 जून को बादल गहरा सकते हैं। दोस्तों बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। गाजियाबाद में भी बादलों और बारिश का असर 18 जून के बाद से देखने को मिलेगा। 25 जून को शहर में तेज बारिश का अनुमान है। 28 जून के बाद शहर में लगातार बारिश शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना मौसम के ताज़ा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.